हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल ए बी एंड सी ऑफ मास 100 केजी ईच आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विथ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 13 मीटर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ फोर्थ पार्टिकल पी ऑफ द सेम मास इज एफ व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 13 मीटर फ्रॉम द पार्टिकल बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए सी। द वैल्यू ऑफ एफ विल बी अप्रॉक्सीमेटली। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वाट विल बी द की कंसेप्ट यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द की कंसेप्ट दैट विल बी यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विल बी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन एफ जी इज गिवेन बाई जी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर, वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम वन एंड एम टू आर द मासेज एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेज। नाउ वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द डायग्राम ऑफ दिस पार्टिकल। सपोज दिस इज अ पार्टिकल ए, दिस इज अ पार्टिकल बी एंड अनदर पार्टिकल सी। ईच ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल इज 100 kg। हर एक पार्टिकल का मास 100 kg है और तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। सच दैट ए बी इज 13 मीटर, बी सी इज 13 मीटर। नाउ हमारे पास एक अनदर पार्टिकल है जो कि प्लेस्ड एट पॉइंट पी और वो एट अ डिस्टेंस 13 मीटर है एंड इट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए सी। तो अगर हम इस पॉइंट को पी बोलते हैं तो ये भी डिस्टेंस 13 मीटर है और यहाँ पे पी पे जो पार्टिकल है वो भी 100 kg है। तो हम देखेंगे पी पे जो पार्टिकल है उस पर थ्री फोर्सेज एक्ट करेंगे। फर्स्ट विल बी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन ड्यू टू ए, दिस विल बी फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए। सेकेंड फोर्स होगा फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, ठीक है, और थर्ड फोर्स होगा फोर्स ऑन पी ड्यू टू सी, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारे पास जो होगा, ये चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये 13 मीटर है, ये भी 13 मीटर है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस होगा रूट ओवर 13 प्लस 13, दैट इज 2 रूट ओवर 13। और ये भी डिस्टेंस जो होगा दैट विल ऑल्सो बी 2 रूट ओवर 13, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन पी ड्यू टू सी, ये इक्वल होगा। सो इन ये इक्वल होगा बिकॉज डिस्टेंस भी सेम है और मासेज भी सेम है, सो एवरीथिंग इज सेम, सो ये इक्वल होगा। सो इस फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए का एक कंपोनेंट होगा, इसको अगर हम एफ बोल देते हैं, इसको हम एफ बोल देते हैं या फिर एफ वन बोल देते हैं, तो ये एफ वन का एक कंपोनेंट होगा एफ वन एक्स और इसका इधर होगा एफ वन एक्स, ये एफ वन है और ये भी एफ वन है, तो दोनों का एफ वन एक्स कैंसिल हो जाएगा और दोनों का एफ वन वाई एड हो जाएगा। एफ वन वाई प्लस एफ वन वाई। नाउ हम देखेंगे कि एफ वन वाई होगा, ये 90 डिग्री है और ये 13 और ये 13, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, सो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो दिस एंगल विल बी द एंगल विच आई एम मार्किंग विथ रेड, दिस एंगल दैट विल बी 45 एंड दिस एंगल दैट विल ऑल्सो भी 45, तो ये दोनों एंगल जो हो गए वो 45 डिग्री होंगे। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑन पी ड्यू टू बी प्लस एफ ऑन एफ वन वाई कॉस 45 प्लस एफ वन वाई कॉस 45, और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। सो दिस विल बी एफ ऑन पी ड्यू टू बी प्लस √2 टाइम्स एफ ऑन वन एफ वन वाई, बिकॉज सॉरी दिस इज एफ वन कॉस 45 नॉट एफ वन वाई कॉस 45, बिकॉज वी हैव नेम्ड इट एफ वन वाई एंड एफ वन वाई इज इक्वल टू एफ वन कॉस 45। सो ये 1/√2, सो एंड दिस विल बी 2 इंटू 1/√2, दैट इज √2 एफ वन, ठीक है। अब हमारे पास
एफ वन क्या है, एफ ऑन पी ड्यू टू ए या एफ ऑन पी ड्यू टू सी, सो डेट विल बी इक्वल टू जी इंटू एम वन डेट इज 100 इंटू एम टू डेट इज 100, सो 100 स्क्वायर बाई 13√2 विच इज आर होल स्क्वायर, सॉरी 2√13 होल स्क्वायर, एंड एफ ऑन पी ड्यू टू बी वो होगा जी इंटू एम वन है 100 kg, एम टू भी है 100 kg, सो जी इंटू 100 स्क्वायर बाई 13, क्योंकि बी से उसका डिस्टेंस 13 है, सो 13 स्क्वायर. सो वी विल सॉल्व दिस, सो वी विल गेट एफ रिजल्टेंट डेट विल बी इक्वल टू जी इंटू 100 स्क्वायर बाई 13 स्क्वायर डेट इज 13 स्क्वायर प्लस √2 इंटू जी इंटू 100 स्क्वायर बाई 13√2 2√13 होल स्क्वायर विच इज 2 इंटू 13 स्क्वायर. एक्चुअली दिस विल नॉट बी 2√13, √13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डेट विल बी √13 स्क्वायर कॉमन 1 + 1 डेट इज 13√2, दिस विल बी 13√2, 13√2 इंटू 13 स्क्वायर. तो वी विल टेक जी इंटू 100 स्क्वायर कॉमन बाई 13 स्क्वायर कॉमन, दिस विल बी 1 + दिस विल गो बाई √2 टाइम्स 1 + 1 बाई √2. तो 1 + 1 बाई √2 ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट इट एज अप्रॉक्सीमेटली 100 g वैल्यू ऑफ एफ विच इज ऑप्शन बी. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.